हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी करेंगे एसएससी सीपीओ एग्जाम 12 मार्च को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप से आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख एक बेसिक से आइडिया लगा लीजिए किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार फिर से याद दिला दूँ कि देख लीजिए पैटर्न आपका पूरा सेम टू सेम इसी तरीका से पूछा गया था। हो सकता है आपका डाटा इधर सुधर हो सकता है क्योंकि ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका सेम टू सेम बोल सकते हैं पैटर्न आपका इसी तरीका से पूछा गया था। तो आप लोग देख के बस एक बेसिक से आइडिया लगा लीजिए कि किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो आपका कुछ इस तरीका से था, जिसमें आपको यहाँ पर चार ठो घन दे दिया गया था, यानी आपका चार ठो क्यूबाइड मतलब सॉरी माफ कीजिएगा चार ठो आपको क्यूब दे दिया गया था, जिसको बोला जा रहा था कि वो जोड़ के एक आपका घनफ बनता है, मतलब आपका एक क्यूबाइड बनता है, जिसका आपको वॉल्यूम पूछा गया था। आपको यहाँ पास घन का भुजा दे दिया गया था जो था आपका 4 मीटर। तो आपको बताना था कि वो घनफ या फिर आपका क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पास आपको पता होना चाहिए कि घनफ का आपका ये वॉल्यूम कितना होता है। तो क्या होता है, आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो अब देखिए, अब समझते हैं कि जो मेरा घनफ था, मतलब आपका माफ कीजिएगा जो घन था वो आपका कितना था। तो 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर का आपका 4 ठो घन था जो कि आपको जोड़ के उसको एक घनफ बनाया गया। तो अब देखिए मेरा घनफ का लंबाई कितना हो रहा, यानी ये जो मेरा लंबाई हुआ तो कितना निकल के आ गया। तो 4 8 12 16, यानी आपका जो आपका लंबाई हो गया वो 16 हो गया। क्लियर है। अब क्या होता है आपका चौड़ाई, तो अब चौड़ाई देख लीजिए कितना। तो चौड़ाई तो मेरा यहाँ से होगा, तो चौड़ाई मेरा कितना रहेगा, तो 4 ही रहेगा, क्योंकि जो घन का होता है वो भुजा चारों तरफ से आपका पूरा मतलब एक होता है। तो यानी हमारे यहाँ पास मेरा कितना हो जाएगा चौड़ाई, तो 4 हो जाएगा। फिर गुना क्या, ऊंचाई। तो ऊंचाई मेरा कितना है ये से देख सकते हैं, तो ऊंचाई भी मेरा 4 रहेगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको वॉल्यूम दे देगा। तो कितना था, 16 चौके 64 हो गया, ठीक है। और 64 गुना 4, तो 16 6 256, तो मेरा कितना निकल के आ गया वॉल्यूम, तो 256 मीटर क्यूब आ गया। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आएगा। तो इस टाइप से आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से पूछा गया था, जिसमें आपको क्या बोला गया था बताता हूँ मैं। यहाँ बोला गया था आपको 50 छात्रों के बीच 30 लड़कियों का औसत वजन दे दिया गया था, और शेष छात्रों का वजन आपको दे दिया गया था, मतलब शेष छात्रों का वजन मतलब औसत में दे दिया गया था। क्लियर है, आपसे पूछा गया था कि सभी छात्रों का औसत वजन कितना है, ठीक है। क्लियर है, तो अब बात को समझिएगा यहाँ पास क्या बोला। यहाँ पर देखिए जो शेष छात्रों का औसत है, ठीक है, यहाँ शेष छात्र का औसत दिया आपको वजन, तो कितना है 15.5। तो आपसे पूछा था सभी छात्रों का औसत कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 50 छात्र में 30 छात्र का मतलब 30 लड़कियों का आपका औसत कितना दिया है, तो 16 दिया है। तो उन लोगों का योग कितना हो जाएगा, पूरा 30 लड़कियों का पूरा वजन का योग कितना हो जाएगा, तो 16 गुना 30 यानी कितना हो गया मेरा निकल के आ गया, तो 16 3 48 और ये एक 0 लग गया। अब आपका जो शेष छात्र कितने बचे, तो 20 बचे, और उनका कितना औसत दिया, तो आपका 15.5। तो ये 15.5, तो इसका भी निकाल लीजिए क्या हो गया आपका। यहाँ देखिए 0 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 155 को 2 से गुना कर लीजिए, तो ये मेरा कितना निकल के आ गया 310। अब यहाँ पास इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया मेरा 0 8 1 9 4 3 7, ये आ गया मेरा। अब किससे भाग देना है आपको, तो 50 से भाग देना, क्योंकि 50 छात्रों का पूछा औसत, तो इस मैंने इसको ये कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका 15 5 75 हो गया, और आपका 4/5 यानी आपका 0.8। तो क्या आंसर निकल के आ गया, यानी आपका औसत, तो 15.8 औसत होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोला गया था आपका, आपको दे दिया गया था बटा दे दिया गया था 20%, फिर बटा 10% दे दिया गया था, 1/ आपको 15% दे दिया गया था। तो आपसे पूछा गया था टोटल बटा कितने दिए गए, यानी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन था, जो कि 20% 10% और 15% का आपको बताना था कि टोटल डिस्काउंट कितना मिले। तो ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल सा पूछा गया था। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा आप कोई वैल्यू मान लीजिए, 100 रुपये या चीज है, उसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब कितना रुपये डिस्काउंट दिया, 20 डिस्काउंट दिया, यानी आपका 80 रुपये में दिया गया होगा। फिर आपका 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी आपका 80 के 10% कितना हो गया, तो 8 रुपया हो गया। तो 8 रुपया को भी इससे लेस कर दीजिए, तो ये मेरा निकल के आ गया 72 रुपया। क्लियर है। अब आपको लास्ट में क्या बोला, फिर से 15% का डिस्काउंट दिया, यानी 72 का 15% और निकाल लीजिए, तो 72 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 2 30 और 3 15 7 105 और 108, यानी 108, यानी मेरा टोटल कितना हो गया डिस्काउंट, 72 का मतलब 15% हो गया मेरा 10.8 हो गया। तो यानी आपका 72 में 10.8 को भी घटा लीजिए, क्या निकल के आ जाएगा मेरा, तो ये मेरा आ जाएगा 61.2, यानी जो 100 रुपये का सामान था वो मिल रहा है 61.2 रुपये में। तो आपसे पूछा था टोटल डिस्काउंट कितना मिला, तो 100 रुपये में इसको घटा दीजिए, तो मेरा कितना आ जाएगा निकल के, ये
38.8 आ जाएगा, यानी जो टोटल डिस्काउंट मिला वो मेरा 38.8 मिला। क्लियर है? तो ये आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया था, क्वेश्चन में समझाता हूँ मैं। बोला गया था कि कोई 3 नल है, ठीक है, जो आपके ए 6 घंटा में भर सकता है, बी आपका 9 घंटा में भर सकता है, ठीक है, और एक नल जो 12 घंटा में खाली कर सकता है। क्लियर है? इसी टाइप से क्वेश्चन बोला गया था, मैं आपको समझाने के लिए बस यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। आपका 3 नल है, कोई टंकी को 6 घंटा में भर सकता, एक आपका 9 घंटा में भर सकता और एक नल 12 घंटा में खाली कर सकता है। तो आपसे पूछा क्या गया था कि 35% टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपका क्या था, ए आपका 6 घंटा में भर रहा, अब बी आपका 9 घंटा में भर रहा, और सी कितना में घंटा में खाली कर रहा, तो 12 घंटा में खाली कर रहा। तो सबसे पहले जो हम टंकी को मारेंगे तो पहले पता करना होगा कि टंकी में कितना पानी आपका घुसेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6, 9, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, वही मेरा टंकी का कैपेसिटी होगा। तो 6, 9, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 से देखेंगे तो 12 से 24 नहीं होगा, 36 हो जाएगा। यानी जो टोटल का मेरा जो टंकी का कैपेसिटी होगा कितना होगा, 36 होगा, क्योंकि मतलब एलसीएम ये तीनों का निकाल लीजिए। तो अब देखिए मेरा ए कितना भरेगा एक घंटा में, तो 6 भरेगा। बी कितना भरेगा, तो 4 घंटा, मतलब 4 आपका मान लीजिए 4 लीटर ही भर रहा, यानी मान के चलिए 36 लीटर का आपका वो टंकी की कैपेसिटी है। और जो सी खाली करेगा वो एक घंटा में कितना खाली करेगा, तो ये आपका 3 लीटर खाली करेगा। क्लियर है? आपको क्या बोला है, 35% टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 35% किसका, यानी जो मेरा 36 कैपेसिटी है टंकी का, इसी का बात किया जा रहा है। तो मेरा 36 का पहले 35% कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 36 का 35% निकाल लीजिए, यानी इतना ही आपको बस भरना है। तो यहाँ देखेंगे कितना हो गया मेरा, ये 7 बार में कट गया 5 का में, ये आपका 20 आ गया, फिर ये आपका 10 आ गया, 18 आ गया, फिर ये आपका 9 आ गया, ठीक है, यहाँ पास आपका ये आपका 9 आ गया, ये आपका 5 आ गया। तो मेरा कितना आ गया, 9 से 63 बटा 5 आ गया, यानी जो मेरा टोटल कैपेसिटी होगा 35% कितना होगा, 63/5। अब आपसे क्या पूछा गया था कि 35% आपको भरने में कितना समय लगेगा, यानी आपको 63/5 ही का बात किया गया। तो देखिए एक घंटा में पहले बोलूँ कितना भरेगा, तो 6 आपका ए भरेगा और बी आपका 4 लीटर भरेगा, तो टोटल कितना हो गया, 10 लीटर। और आपका सी कितना खाली कर रहा, तो 3 खाली कर दे रहा, यानी टोटल कितना हो गया एक घंटा में, तो यानी एक घंटा में मेरा टोटल 7 लीटर ही पानी भरा रहा। तो बता दीजिए कितना भरेगा, तो यहाँ 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी मेरा इतना ही था ना टोटल 35% आपको भरना था। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो कितना हो गया 9, तो ये आंसर मेरा कितना आ गया, तो 9/5 घंटा लगेगा उसको 35% टंकी को भरने में। क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या बोला गया था, तो यहाँ देखिए आप समझिएगा फिर से क्वेश्चन को। तो यहाँ बोला गया था आपको कोई ए बी सी है जिसका कार्य क्षमता आपको दे दिया गया था, ठीक है, तो 4 है, 5 है, और यहाँ पास आपका, माफ कीजिएगा, ये आपका 6 होगा, ठीक है, ये आपका 4 है, 5 है, 6 आपको कार्य क्षमता दे दिया गया था 3 जन का, जो फिर बोला गया था कि कुल 12 दिन में वो लोग काम को किसी खत्म कर सकते हैं, मतलब कोई काम है जिसको 12 दिन में ये लोग तीनों मिलकर खत्म कर सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया था कि ए कितने दिन में वो काम को खत्म कर सकता है। क्लियर होगा क्वेश्चन आप लोगों को? तो यहाँ पास कैसे करेंगे, तो ए बी सी का कार्य क्षमता कितना दिया, तो 4, 5, 6, यानी मान लीजिए आपका ए 4 काम कर रहा, बी 5 काम कर रहा और सी 6 काम कर रहा, तो टोटल वो लोग कितने काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 4, 5, 9 और 9, 6, 15, यानी एक दिन में वो 15 काम कर सकते हैं। और आपका बोल रहा 12 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, मतलब आपका 15 दिन, मतलब 15 काम एक दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिन में मतलब पूरा काम खत्म कर देंगे, मतलब मेरा पूरा काम कितना होगा, तो 15 × 12 होगा, तो यही मेरा टोटल पूरा काम हो गया। अब आपसे क्या बोला, ए कितने दिन में करेगा, तो ए बताइए कितने दिन में करेगा, तो ए अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो कितना दिन लगेगा, तो इसको 4 से बस डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 3 आ गया, अब 15 × 3 = 45, तो मेरा इसके आंसर क्या हो जाएगा, 45 दिन में आपका ए आपका वो काम को पूरा करेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अब आपसे क्या पूछा गया था, बस समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ अच्छा से। यहाँ बोला गया था क्वेश्चन में आपको क्या, यदि एक गोले का त्रिज्या 7 मीटर है तो उस गोले से कितना छोटा गोला बनाया जा सकता है जिसका त्रिज्या 2 मीटर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। बोला जा रहा कोई बड़ा सा त्रिज्या है जिसका 7 मीटर आपका त्रिज्या है, अब बोल रहा है इसको गला के या कुछ भी करके इससे छोटा गोला बनाया जा रहा है जिसका त्रिज्या 2 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है इस बड़े गोले से कितना छोटा गोला बनाया जा सकता है, ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि गोला का वॉल्यूम कितना होता है, तो आपको पता होगा 4/3 πr³, ये आपका गोला का वॉल्यूम होता है। तो देखिए मेरा बड़ा गोला का वॉल्यूम इतना है तो छोटा गोला का कितना होगा, तो छोटा गोला का भी इतना ही ना, वॉल्यूम तो आपका सेम होने वाला है, मतलब वॉल्यूम उसका क्या होगा 4/3 πr³।
तो अब ये किसके बराबर होगा, तो ये एन के बराबर होगा, मतलब मेरा जो छोटा छोटा गोला बनेगा तो बहुत सारा बनेगा ना, क्योंकि ये तो बड़ा वाला गोला है और ये छोटा वाला गोला है, तो यहाँ पास मेरा जितना भी छोटा गोला बनेगा उसका वॉल्यूम बराबर किससे होगा, तो बड़े वाले से होगा। तो बस यहाँ पास ये मैंने इसको लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4/3 दोनों जगह कट जाएगा, पाई पाई भी दोनों जगह कट जाएगा, तो मेरा क्या हो गया ये वाला, देख लीजिए यहाँ पर रेडियस थोड़ा बड़ा को आर लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पास तो दोनों जगह का आपका त्रिज्या अलग अलग है ना, तो यहाँ पास मेरा क्या आ गया आर क्यूब, तो अब आर क्यूब कितना है बड़ा वाला का, तो 7 × 7 × 7 यानी पर कितना आ गया 343 आ गया, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, और इसका कितना आ गया तो 2 × 2 × 2 यानी 8, अब मैं 8 को नीचे ले आ रहा हूँ तो मेरा क्या आ गया यानी n इक्वल टू, यही मेरा नंबर ऑफ गोला होगा, तो n इक्वल टू हो गया 343/8, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा 343/8, तो अगर क्वेश्चन आपका यही पूछा गया होगा तो आंसर इसका ये हो जाएगा, अगर कुछ ऐसा वैल्यू हो जो कट जा रहा हो तो फिर इसका आंसर कुछ और होगा, मगर चीज आपका इसी तरीका से बनने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा, तो आप लोग बस देख लीजिए किस तरीका से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका, देखिए क्या बोला आपसे, ये धारा से क्वेश्चन है, तो यहां बोला था गया था आपसे एक व्यक्ति धारा का दिशा में 275 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और धारा का विपरीत में 135 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो आपको शांत जल का नाव का चाल पूछा गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा, बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति धारा का जब दिशा में चल रहा है 275 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, मतलब आपका जो एक्स प्लस वाई है वो कितना है, तो 275 है, ठीक है, यानी जो मेरा x होता है वो क्या होता है, तो नाव का खुद का चाल होता है, और जो y होता है वो आपका धारा का चाल होता है, यहाँ पर आपका जब धारा का दिशा में चलता है तो दोनों आपका जुड़ जाता है, क्लियर है। अब उसी तरीके से बोल रहा धारा का विपरीत में जब चलता है तो 135 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, मतलब आपका क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई कितना दे दिया गया था, तो आपको 135 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, तो आपसे पूछा क्या गया था शांत जल में नाव का चाल बताएं, यानी आपका एक्स का वैल्यू पूछा गया था, तो यहाँ पास आप एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी आपका जो नाव का चाल कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पास मेरा क्या होगा 5 × 5 = 10 7 × 10 = 11 2 × 3 = 4 यानी 410/2, तो मेरा कट के कितना जाएगा 205 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा नाव के चाल, ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ डाटा आपका कुछ भी हो सकता है फिलहाल, ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता कि आपका धारा का क्या होगा तो फिर क्या करते आप धारा को लिए, तो ये दोनों को घटा के 2 से भाग दे देते तो मेरा धारा का चाल निकल जाता, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए क्या पूछा है आपसे कि यदि एक बेलन का त्रिज्या 150% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 20% घट जाती है तो आप क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताएं, तो आपसे बोला गया था सिंपल सा क्वेश्चन एक था कि कोई बेलन था, ठीक है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि उसका त्रिज्या यानी आपका जो रेडियस है वो आप 150 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, ठीक है, मतलब माफ कीजिएगा 150% बढ़ जा रहा है, और साथ में आपका जो बोला ऊंचाई जो है वो 20% घट जा रहा है, तो आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो इसको भी हम लोग जानते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो एक फार्मूला आता है मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले भी, कभी भी कुछ भी चीज़ में कुछ चीज़ बढ़े या घटे तो आपको क्या करना है एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ पर प्लस सॉरी एक्स इंटू वाई बटा 100, यहाँ पर इसको इस तरीके का फॉर्मूला में आप डाल सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा एक्स हो रहा है यानी क्या हो रहा है त्रिज्या में 150% बढ़ रहा है यानी 150 प्लस घट कितना रहा है तो ये घट रहा है देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पास माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये आपका 20 और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 150 × 20 कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये आपका 3000 हो जाएगा, और 100 तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया यानी −30 − 20 −50 हो गया, अब −50 आपका 150 है तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो मेरा 100 निकल के आ गया यानी 100% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में है तो 100% का वृद्धि हो रहा है, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा 100%, क्लियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए ये था फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ठीक है, तो यहाँ पास तो फिलहाल क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, अब कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो पूरा क्लियर नहीं हो सके थे इसलिए मैंने इसको यहाँ पास लिखा नहीं है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रॉफिट लॉस में क्या कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर सब देख सकते हैं यानी 50 CP = 40 CP के मतलब SP के बराबर था, तो आपसे पूछा गया था लाभ और हानि का प्रतिशत बताएं, तो यहाँ पर CP SP का आप रेशियो निकाल सकते हैं, तो ये आपका SP यहाँ आ गया और ये 40/50 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको हटा दीजिए यानी मेरा क्या रेशियो निकल गया CP SP का, तो 4/5 यानी जो आपका CP है 4 रेशियो और SP है 5 रेशियो, तो कितना रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है 1 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, और कितना में प्रॉफिट हो रहा है 4 में प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी आपको डायरेक्ट पता चलेगा क्या 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से था और एक क्वेश्चन आपका रेशियो से था जिसमें आपको दे दिया गया था सिंपल सा A/B का वैल्यू आपको बता दिया गया था और आपसे कन्फ्यूज करने के लिए पूछा गया था B/A × A/B का आपसे वैल्यू पूछ लिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पास आप देखेंगे यानी जो आपका B/A × A
बटा बी, ये तो कट के आपका एक ही हो जाएगा ना, यहाँ तो इसका वैल्यू देने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसका इस टाइप से एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका और घन से पूछा गया था, ठीक है, जो आपका घन में क्या बोल दिया गया था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपका कोई घन दिया दे दिया गया था जिसमें आपको बोला था इसका कुल सतह आपको दे दिया गया था, यानी आपको सरफेस एरिया दे दिया गया था, आपसे सिर्फ पूछा था कि उसका आयतन कितना होगा। तो आप लोगों को पता होगा घन का कुल सतह क्या होता है, यानी आपका टोटल सरफेस एरिया, तो 6a² और कुछ वैल्यू आपको दे दिया गया होगा, जो भी आपको वैल्यू यहाँ दे दिया गया था इससे आपको a निकाल लेना था और फिर आपको इसका आयतन निकाल लेना था। तो आयतन आप लोगों को पता होगा a³ होता है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और भी क्वेश्चन थे जो पूरे अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है फ्रेंड। तो पेपर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन आपका 35 क्वेश्चन तक आपका क्वेश्चन ठीक ठाक थे, उसके बाद जो क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन थे ऐसा कि थोड़ा लेंदी टाइप से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा टाइम को जरूर मैनेज कीजिएगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।